दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण यानी उन्नति योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की। रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियों के सिविल क्षेत्रों को संबंधित राज्य स्थानीय निकायों में विलय के लिए डी नोटिफाई किया। नाबार्ड ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि संधारणीयता लाभप्रदता और खाद्य सुरक्षा के लिए निहितार्थ शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया। कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात प्रतिस्थापन पर रणनीति पत्र जारी किया। वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूलभूत अधिकारों के बिना विकास निरर्थक है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम की स्थापना करना है। इसके लिए सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रम एवं साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये उद्देश्य कुछ प्रयासों के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटिंग तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाकर, स्टार्टअप्स को जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके तथा नैतिक एआई को मजबूत करके। अगर इस मिशन को लागू करने वाली एजेंसी की बात करें तो इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई नामक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग यानी बिजनेस डिविजन द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन में कई घटक भी शामिल होंगे, जैसे कि इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता, जो एआई नवाचार हेतु अति महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए वन स्टॉप समाधान होगी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, जो कि स्वदेशी लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स का विकास और स्थापना करेगा, इंडिया एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, जो कि भारतीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा सेट्स निरंतर प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा, इंडिया एआई एप्लीकेशन विकास पहल, जो कि बड़े स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एआई समाधानों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, जो कि एआई कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेगा, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जो कि फंडिंग प्रदान करके डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन और गति प्रदान करेगी, सुनिश्चित एवं विश्वसनीय एआई, जो कि जिम्मेदार एआई परियोजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। चलिए अब इस मिशन के महत्व को समझते हैं। इससे भारत के एआई इकोसिस्टम का जिम्मेदारी पूर्वक और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। भारत के लिए तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने हेतु नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकनीकी संप्रभुता एक राजनीतिक विचार है। इसके अनुसार सूचना और संचार अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी उस देश के कानूनों, जरूरतों व हितों से जुड़ी होती है जहां उसके यूजर्स मौजूद होते हैं। साथ ही इससे जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए अत्यधिक दक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ये समाज के कल्याण के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना यानी उन्नति 2024 को मंजूरी प्रदान की। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका उद्देश्य रोजगार के ऐसे अवसर सृजित करना है जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस योजना की अवधि अधिसूचना की तिथि से 10 साल तक है और साथ में 8 वर्ष की प्रतिबद्ध देयताएं भी हैं। इसकी पात्रता में सभी नई औद्योगिक इकाइयां और विस्तारित इकाइयां शामिल हैं। सभी घटकों से एक इकाई के लिए अधिकतम लाभ पात्रता 250 करोड़ रुपए है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे हरित उद्योग सकारात्मक सूची में है, जबकि सीमेंट, प्लास्टिक और अन्य क्षेत्र नकारात्मक सूची में है। ऐसे में जिलों को 2 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है,
जोन ए और जोन बी। जोन ए में औद्योगिक रूप से विकसित जिले और जोन बी में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं। ये योजना दो भागों में विभाजित है। भाग ए पात्र इकाइयों को आर्थिक प्रोत्साहन देने से संबंधित है तथा भाग बी योजना को लागू करने और संस्थागत व्यवस्था से संबद्ध है। अगर निधियों के निर्धारण की बात करें तो भाग ए के परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, जबकि शेष 40% फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लागू करने वाली एजेंसी की बात करें तो इसे राज्यों के सहयोग से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे PM डिवाइन योजना। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम, इसका लक्ष्य समावेशी और सतत आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना, इसका उद्देश्य जलापूर्ति, बिजली कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना तैयार करना है। बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियों के सिविल यानी असैन्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य स्थानीय निकायों में विलय के लिए डी नोटिफाई किया। वर्ष 2023 में रक्षा मंत्रालय ने छावनियों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत राज्यों को कुछ छावनियों के सिविल क्षेत्रों को उनसे अलग करने तथा उन्हें उनकी निकटतम स्थानीय नगर पालिकाओं के अधीन लाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य छावनी के सिविल क्षेत्रों को सैन्य क्षेत्रों से अलग करना था। रक्षा मंत्रालय द्वारा डी नोटिफाई करने के बाद अब छावनियों के सैन्य क्षेत्रों को मिलिट्री स्टेशंस नाम दिया जाएगा। ये स्टेशंस सेना के पूर्ण नियंत्रण में होंगे। खबर की बेहतर समझ के लिए छावनियों के बारे में समझते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है। यहां मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं। हालांकि यहां असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है। इन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 62 छावनियां हैं। इनके प्रशासन की बात करें तो छावनियों का स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है। हालांकि संबंधित राज्य सरकार छावनी क्षेत्रों में अपनी कोई भी योजना लागू कर सकती है। ऐसी योजनाएं पहले से ही सभी राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही है। छावनियों को वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रशासित किया जाता है। अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्ड्स के पास है, जो कि लोकतांत्रिक निकाय है। ये बोर्ड लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि प्रदान करने जैसे नागरिक कार्य संपन्न करते हैं। छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या छावनी की श्रेणी के आधार पर 2 से 8 तक होती है। छावनियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 में वे छावनियां शामिल हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है। श्रेणी 2 में ऐसी छावनियां आती हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच है। श्रेणी 3 में वे छावनियां आती हैं जिनकी जनसंख्या 2,500 से 10,000 के बीच है। और अंत में श्रेणी 4 में उन छावनियों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 2,500 से कम है। चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी मुख्य खबर की तरफ। नाबार्ड ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी ZBNF संधारणीयता, लाभप्रदता और खाद्य सुरक्षा के लिए निहितार्थ शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया। ये अध्ययन 4 महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर ZBNF का आकलन करता है। इनमें से पहला है संधारणीय कृषि। इसके तहत प्राकृतिक रूप से प्राप्त इनपुट जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, पत्तियां आदि रासायनिक इनपुट के संधारणीय विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है किसानों के निवल आय पर प्रभाव। एक अध्ययन से पता चला है कि ZBNF पद्धति अपनाने वाले किसानों की निवल आय अधिकांश फसलों में ZBNF पद्धति न अपनाने वाले किसानों की आय से अधिक है।
तीसरा है फसल उत्पादकता पर प्रभाव। ZBNF के तहत कुछ फसलों में उपज में वृद्धि के मामले सामने आए हैं। हालांकि ZBNF के तहत पारंपरिक किस्मों की खेती करने से प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता में गिरावट आ सकती है। ZBNF के विस्तार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की व्यापक कमी हो सकती है, जिससे खाद्यान्न में भारत की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। ZBNF प्राकृतिक कृषि की एक तकनीक है। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता है। इसमें इनपुट्स की खरीद के लिए अधिक धन खर्च करने या ऋण लेने की कोई जरूरत भी नहीं होती। साथ ही इसमें मशीनरी, आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज, मृदा परीक्षण जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की भी जरूरत नहीं होती है। इसके अनुसार पौधे 98 से 98.5% पोषण हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं तथा शेष 1.5% मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये पद्धति बाहरी पोषक तत्वों के उपयोग के बिना भी फसल उत्पादन को बनाए रख सकती है और विकसित हो सकती है। ZBNF के विकास का श्रेय महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर को जाता है। ZBNF के कुल 4 घटक हैं। इनमें से पहला है बीजामृत। इसके तहत बीजों पर सूक्ष्म जैविक लेपन किया जाता है। दूसरा है जीवामृत। इसके तहत मिट्टी में सूक्ष्म जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तीसरा है वह पासा। इसके तहत मृदा में वायु और जल के अणु की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। और चौथा है आच्छादन। इसके तहत ऊपरी मृदा की रक्षा के लिए गहरी जुताई की बजाय घास पात से ढकना शामिल होता है। इसे मल्चिंग भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ZBNF को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में लागू करती है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना है। खबर के आखिर में अध्ययन में की गई मुख्य सिफारिशों की बात कर लेते हैं। ZBNF को राष्ट्रीय स्तर की कृषि पद्धति के रूप में अपनाने का सुझाव देने से पहले एक दीर्घकालिक प्रयोग की आवश्यकता है। कृषि पद्धति न्यूट्रलिटी, रासायनिक उर्वरकों के लिए अधिक सब्सिडी देने की बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। इससे किसी विशेष फसल के बदले सभी फसलों को फायदा होगा। कृषि इनपुट्स के लिए आपूर्ति श्रृंखला का लचीला नेटवर्क प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात प्रतिस्थापन पर रणनीति पत्र जारी किया। ये रणनीति पत्र कोयला मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालय समिति ने तैयार किया है। ये समिति साल 2030 तक कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु सिफारिशें करने के लिए गठित की गई थी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। देश में कोयले के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद भी भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। भारत में लगभग 378.20 बिलियन टन कोयला भंडार है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में 237 मिलियन टन कोयला आयात किया था। इसके लिए 3.83 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। भारत में कोयले की लगभग 64% खपत बिजली उत्पादन में होती है। इसके बाद स्टील और सीमेंट उद्योगों का स्थान आता है। ऊर्जा खपत मैट्रिक्स में भी कोयले का ही प्रभुत्व है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत में कोयले का 56% योगदान है। बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 76% है। वित्त वर्ष 2030 तक ये हिस्सेदारी घटकर 55% होने का अनुमान है। इस तरह यह प्रमुख ईंधन स्रोत बना रहेगा। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि कोयला आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोकिंग कोयले का भंडार कम है और जो भंडार है वह निम्न गुणवत्ता वाला है। उच्च सकल कैलोरी मान वाले कोयले की उपलब्धता भी कम है। भूमि अधिग्रहण तथा कानूनी मंजूरी प्राप्त करने में देरी जैसी बाधाओं की वजह से नई कोयला खदानों को विकसित करने में कठिनाई आती है। खदानों से निकाले गए कोयले की आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक्स की कमी है। इस ओर रिपोर्ट में कुछ मुख्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि कोल लॉजिस्टिक योजना को उच्च प्राथमिकता के साथ लागू करना चाहिए, कच्चे कोकिंग कोयले के उत्पादन का उपयोग करना चाहिए, साथ ही इस्पात उद्योग में स्टैंप चार्जिंग बैटरी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। 2030 तक भारत में कोयले की धुलाई
क्षमता को बढ़ाकर 140 मीट्रिक टन करना चाहिए। इस्पात निर्माण में कोयला गैसीकरण आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी DRI को बढ़ावा भी देना चाहिए। DRI वास्तव में ठोस अवस्था में लौह अयस्क या अन्य लौह धारण करने वाली सामग्रियों से ऑक्सीजन को हटाना है। ये पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेंस का विकल्प है और साथ ही कोयले पर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST प्रतिपूर्ति उपकर को कम करना चाहिए। कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं? चलिए इसे भी समझते हैं। विजन 2030, इसका लक्ष्य कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में वृद्धि करना है। अधिक से अधिक वाणिज्यिक या कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स की नीलामी करने और उत्पादन शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोयले की आपूर्ति दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला लॉजिस्टिक नीति और कोयला ढुलाई योजना बनानी चाहिए। घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन कोकिंग कोल शुरू करना चाहिए। कोयला क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग भी करना चाहिए। इनमें डिजिटलीकरण, स्मार्ट डैशबोर्ड, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन आदि शामिल है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूलभूत अधिकारों के बिना विकास निरर्थक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वेदांता के तूतुकुड़ी स्थित कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को बंद रखे जाने के निर्णय को बरकरार रखा है। इससे पहले संबंधित हाई कोर्ट ने प्लांट को बंद करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार ने प्लांट से कथित प्रदूषण फैलने की रिपोर्ट आने के बाद इसे बंद करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों में स्वच्छ हवा में सांस लेना, स्वच्छ जल जैसे मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया है। दुनिया भर की सरकारों और संस्थानों को इन अधिकारों को बहाल रखने तथा उनकी रक्षा करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, भले ही इनकी वजह से रोजगार और उद्योग प्रभावित हो रहे हों। निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांतों का हवाला दिया है। इनमें पहला है पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धांत। इसके अनुसार सरकार एक ट्रस्टी के रूप में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखती है ताकि इससे आम लोगों का लाभ हो। अगला है अंतर पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत। इसके अनुसार वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए पृथ्वी के संसाधनों को एक ट्रस्टी के रूप में संरक्षित रखती है। तीसरा है प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो लोग पर्यावरण को प्रदूषित या निम्नीकृत यानी डिग्रेड करते हैं, उन्हें इस समस्या से निपटने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की लागत का भुगतान करना चाहिए। अंतिम है सतत विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत भावी पीढ़ियों को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से वंचित किए बिना विकास को बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है इंडोनेशिया। इस देश की राजधानी है जकार्ता। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देना है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये देश कई द्वीपों से मिलकर बना है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है। ये विषुवत रेखा के निकट स्थित है। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश भी है। इसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती हैं। इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड और भारत। और इसके सीमावर्ती जल निकाय हैं उत्तर में दक्षिण चीन महासागर और प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। आखिर में इंडोनेशिया की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश के 5 मुख्य द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ। यहाँ की मुख्य नदियां हैं महकम और बरितो आदि। इस देश की सबसे ऊंची चोटी है पुंजक जया। साथ ही ये देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और मेटा ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च करने की घोषणा की है।
इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के उपयोग के माध्यम से छात्रों को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के समुदायों ने ओरण अर्थात पवित्र उपवनों को डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत करने के राज्य के प्रस्ताव के प्रति चिंता व्यक्त की है। ओरण भूमि वे पवित्र स्थल होते हैं जो जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। इन स्थलों पर आमतौर पर एक जल निकाय भी पाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रिफिल्स के लिए प्रत्येक LPG सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। चिप इन सेंटर का उद्देश्य लगभग 85,000 छात्रों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरण प्रदान करना है। इन उपकरणों के माध्यम से ये छात्र सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन कर सकेंगे। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने एडवांस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है। ये प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सरकार ने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक व्यापक डिजिटल पहल है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी के कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये भाबर और निचले शिवालिक क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया कश्मीर दौरे पर शंकराचार्य पहाड़ी को नमन किया। यह पहाड़ी जबरवान रेंज में अवस्थित है। इस पर शंकराचार्य मंदिर बना हुआ है जो 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।